मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जिस समस्या पर बन रहे हैं तीन खतरनाक युग, इन चार राज्यों को रहना होगा सावधान। जिस समस्या आज 19 मई 2023 को है, जानते हैं जिस समस्या पर कौन से अशुभ योग बन रहे हैं और किन राशियों को सावधानी बरतनी है। हिंदू धर्म में समस्या और पूर्णिमा को पर्व माना गया है। अमावस्या पर गंगा, यमुना, तिप्रा, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान करने की परंपरा है। इस साल इस अमावस्या आज 19 मई 2023 को है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। इस दिन के बाद से ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं, तो वहीं ग्रह नक्षत्रों के संयोग से तीन अशुभ योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कई राशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर कौन से अशुभ योग बन रहे हैं और किन राशियों को सावधानी बरतनी होगी। गुरु चंडाल योग अभी मेष राशि में बृहस्पति और राहु विराजमान है। इस समस्या पर इन दोनों ग्रहों की युति से गुरु चंडाल योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि इसे दुष्प्रभाव से समस्त शुभ ग्रह अप्रभावित हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और चरित्र पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण योग इस अमावस्या पर मेष राशि में चंद्रमा और गुरु के एक साथ होने से केसरी योग बन रहा है, तो वहीं चंद्रमा और राहु की युति से इस दिन ग्रहण योग भी रहेगा। इस अमावस्या पर मेष राशि में चंद्रमा दोपहर 1:35 तक विराजमान रहेगा। ग्रहण योग होने से जीवन की सुखता पर ग्रहण लग जाता है। बुध मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, वहीं राहु भी मेष राशि में विराजमान है। बुध और राहु की युति से इस अमावस्या पर गलत योग का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष में गलत योग को बेहद खतरनाक माना गया है। इसके प्रभाव से जातकों के जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इस अमावस्या पर गलत योग सिंह राशि वालों को प्रभावित कर सकता है। इस समय अवधि के दौरान किसी भी लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। व्यापारी लोग इस समय नया निवेश न करें, पानी पर संयम रखें। असहनीय भाषा की वजह से पिता और गुरुओं से रिश्ते खराब हो सकते हैं। मेष राशि में गुरु और राहु की युति से बना हुआ गुरु चंडाल योग आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। कारोबार में आपकी रूप से धन खर्च बढ़ सकता है, ऐसे में धन खर्च पर लगाम लगाने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। गुरु राहु की युति इस अवधि में कन्या राशि के जातकों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है, ऐसे में इस अमावस्या पर बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, ये आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। इस अवधि में अपव्यय से बचें, आपका बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए बेहिसाब खर्चा बिल्कुल न करें। ज्येष्ठ अमावस्या पर गलत योग के दुष्प्रभाव वृषभ राशि वालों पर भी पड़ सकते हैं। इस अवधि में जीवन साथी के साथ मनमुटाव बना रहेगा, धनहानि हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में असफलता के योग है, निवेश करने से बचें, नहीं तो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात पर पूरी तरह से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल न करें, अन्यथा कोई बड़े नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है।